बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं, जन्नत की राहतें बेचकर जहन्नम का आज़ाब ख़रीद रहे हैं? हमारी डिग्रियां क्या ये हमें इन मुनकर नकीर से बचाएंगी? हमारा माल जो दुनिया में पीछे रह जाएगा, हमारी जवानी जो मिट्टी के नज़र हो जाएगी, हमारी औलादें और हमारे माँ बाप जो रोज़े महशर हमसे दूर भाग रहे होंगे। सोचिए, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम अपने रब की नाफरमानी करने पर मजबूर हैं? दिल की ख्वाहिशात, नफ्स की लज्जत, क्या जन्नत इतनी अरज़ां है कि जन मिनटों की लज्जत के इवज़ उसे बेच दिया जाए? हम क्यों गफलत में पड़े हैं जबकि हमारा रब पुकार रहा है, ऐ इंसान, तुझे किस चीज़ ने अपने रब करीम से धोखे में डाल रखा है? खुदारा सोचिए और अपने रब को राज़ी कर लीजिए। अपने गुनाहों की अपने रब से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें, तौबा कर लें। वो बड़ा करीम है, रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। आप इरादा तो करें, याद रखें अभी भी वक्त है, जब तक सांस है तब तक चांस है। एक बार आंख बंद हुई तो सिवाय पछतावे की कुछ नहीं रहेगा। अल्लाह पाक आपको मुझे तौबा करने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे सामईन, अगर तहरीर अच्छी लगी हो तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए और आप और मेरी निजात का वसीला बन जाए। वस्सलाम।